हे गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रियलमी C35 फ़ोन। इस फ़ोन को दोस्तों आज 0 to 100% चार्ज करेंगे और बताएंगे कितने देर में कंप्लीट चार्ज लेता है। तो आप अगर इस फ़ोन को बाय करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चार्जिंग टेस्ट के साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी चेक करेंगे कि फ़ोन गर्म होता है या नहीं होता है चार्ज करते वक्त। तो गाइस, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं टेक्नोमास्टर। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फ़ोन में 0% चार्ज है। फ़ोन में 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, 18W चार्जिंग एडाप्टर के साथ आता है। तो गाइस, यहाँ पे जो चार्जिंग एडाप्टर है ये बॉक्स का ही चार्जिंग एडाप्टर है, इसी से दोस्तों इस फ़ोन को आज चार्ज करने वाला है। तो फटाक से दोस्तों इसे सेट करते हैं। तो गाइस, चार्जिंग एडाप्टर को कनेक्ट कर दिए हैं बोर्ड के साथ और यहाँ पे डाटा केबल इंसर्ट करते हैं। तो चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है, स्टॉपवॉच भी ऑन कर देते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं फ़ोन में लोगो आ चुका है चार्जिंग होने का। तो इस फ़ोन को अभी सबसे पहले 15 मिनट के लिए चार्ज करेंगे और देखेंगे 15 मिनट में कितना चार्ज होता है और हीट क्या रहता है ये भी बताएंगे। ओके, तो अभी दोस्तों जो हीट है आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर 30 है और फ़ोन की हीट की बात करें तो बैक से 30 देखने को मिल जाता है और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 है, मतलब रूम टेम्परेचर के ही आसपास है। ओके, तो अभी दोस्तों 15 मिनट के लिए चार्ज करते हैं इस फ़ोन को और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो फ्रेंड्स, फ़ोन को चार्ज करते हुए 15 मिनट पूरा हो चुका है और 15 मिनट में चार्ज आप देख सकते हैं 15% हुआ है। ओके, तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, एक मिनट में 1% हो रहा है रियलमी C35 फ़ोन। तो आप अगर इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको फुल डिटेल मिल जाएगा। और गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर है 30 और फ़ोन अभी दोस्तों 35 हीट हो चुका है और फ्रंट से यहाँ पर 34 देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग हो रहा है। अभी आधा घंटा के लिए और चार्ज करते हैं, 30 मिनट के बाद आते हैं और देखते हैं 30 मिनट में फोन कितना चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ोन को चार्ज करते हुए 30 मिनट पूरा हो चुका है और टोटल जो टाइम है 45 मिनट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 45 मिनट में फ़ोन कितना चार्ज हुआ है ये देख सकते हैं, 40% चार्ज हुआ है। ओके, तो 45 में 40% चार्ज हुआ है। और हीट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाते हैं रूम टेम्परेचर जो है अभी भी 30 है। ओके, और फ़ोन की हीट की बात करें तो फ्रंट से यहाँ पर 37 देखने को मिल जाता है और बैक साइड की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में भी 37 है। ओके, तो 40 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे हीट नहीं जा रहा है, 40 के ऊपर जाएगा तो ज़्यादा हीट है, दोस्तों अभी नॉर्मल हीट है। अब दोस्तों चार्ज होने देते हैं फ़ोन को, 1 आवर के बाद आते हैं और देखते हैं 1 आवर में और कितना चार्ज होता है। तो गाइस, यहाँ पे फ़ोन को चार्ज करते हुए 1 आवर कंप्लीट हो चुका है और गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 86% चार्ज हो चुका है जो कि 1 आवर 45 मिनट में हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग स्पीड मिल रहा है। आपके पास भी अगर ये सेम फ़ोन है कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फ़ोन कितने देर में कितना चार्ज हो रहा है। और हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं 29 है और फ़ोन की हीट की बात करें तो बैक से यहाँ पर 35 देखने को मिल जाता है, फ्रंट से यहाँ पर 34 है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हीट हो रहा है, हीट ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल जो चार्ज करते वक्त थोड़ा हीट होता है वही है। और यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग स्पीड आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो गाइस, अभी फ़ोन को 100% चार्ज करते हैं और देखते हैं 100% चार्ज कितने देर में लेता है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है 100% चार्ज होने का। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज हो चुका है फ़ोन, ये देखिए चार्ज लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% चार्ज है। यहाँ पे दोस्तों 100% चार्ज होने के बाद ऑटो कट हो जाता है, तो कोई भी दोस्तों परेशानी की बात नहीं है। और गाइस, आप देख सकते हैं 2 आवर 17 मिनट में ये फ़ोन कम्प्लीट चार्ज लेता है। तो गाइस, यहाँ पे रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं 29 है, फ़ोन की हीट की बात करें तो बैक से यहाँ पे 32 मिल जाता है और फ्रंट से यहाँ पे 31 मिलता है। तो गाइस, आपके पास भी अगर ये सेम यूनिट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका फ़ोन कितने देर में चार्ज ले रहा है और चार्जिंग एडाप्टर हीट होता है या नहीं होता है आप लोग का क्वेश्चन रहता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं 32 है, मतलब रूम के हिसाब से। ओके, तो गाइस, यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होता है ये फ़ोन चार्ज करते वक्त और चार्जिंग टाइम भी दोस्तों लगभग ठीक ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर ये फ़ोन चाहिए पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अगर चाहते मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।